नमस्कार और आदाब दोस्तों, सभी पल्स पीढ़ी साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष के 26 जनवरी के इस आज़ादी के देश का सभी निवेशकों को मुबारकबाद। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष में 26 जनवरी के इस पावन पर्व की, जिसको सभी देशवासी और विदेशी, जी हाँ दोस्तों, जो हमारे देश के भारतवर्ष से बाहर हैं, वो सभी खास दिन को मनाते हैं। दोस्तों, आज हम भी इस खास दिन को मना रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारा सबसे बड़ा इस वक्त भारत देश में जो परेशानी का माहौल बना हुआ है, पल्स निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया भारत सरकार की गलत नीतियों की भेंट चढ़ चुका। आजाद देश में इस वक्त हम सेवी विभाग जैसी एक संस्था के गुलाम बने हुए हैं, और आज हमारा पैसा 2014 से लेकर और आज 2020 आ गया, अभी तक एक फूटी कौड़ी हमें नहीं मिली। दोस्तों, हम बात 2,500 और 5,000 वालों की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा इतनी कम उसमें नहीं लगा हुआ, ना कोई 2,500 रुपए का कोई प्रोसीजर ऐसा है जिसमें हम निवेशकों का भला हो सके। ये केवल सेवी विभाग का सुप्रीम कोर्ट को उल्लू बनाने के लिए ये एक ऐसा डिजाइन सेट किया गया है। लोढ़ा कमेटी और जो इनके नेतागण हैं, जिनके छत्र छाया में ये सारी विभाग पल्स कंपनी पर अपनी जांच के नाम पर एक तांडव रचा रखा है, जो पल्स निवेशकों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों, 49,100 करोड़ रुपया 6,85,00,000 निवेशकों का इस वक्त लूट की कगार पर है, और अभी तक 10 साल होने को आया और हमारा एक पैसा नहीं मिला। दोस्तों, हम 50,000 और 60,000 और 1 लाख और 1.5 लाख और 2 लाख वाले निवेशकों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक 2006 में 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ था कि सभी का पैसा दे दिया जाए, दोस्तों आज 3.5 साल में जो दो दो प्रोसीजर चलाए गए, उनमें अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, क्योंकि हमारा पैसा 50,000 से शुरू है और लाखों से ऊपर तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, हमारी फील्ड वर्क में कम से कम 25 लाख की कलेक्शन पल्स के ऑफिसों में जमा हुई थी, और जिसमें 75% हमने बॉन्ड ऑफिस में जमा कर दिए थे। दोस्तों, मेरे खुद के वहाँ पर 5 बॉन्ड जमा है, जिनकी मैच्योरिटी अवधि पूरी हो चुकी है, और सेवी विभाग की तरफ से चलाए जा रहे प्रोसीजर में अभी तक हमें एक फूटी कौड़ी का लाभ नहीं हुआ। 3.5 साल तो ये लग गए, और 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, वो भी 2016 में 3.5 साल तक एक लंबी प्रक्रिया चली सुप्रीम कोर्ट में। जब ये ऑर्डर पारित हुआ तो आज लगा लगभग 10 साल होने को आ गए, और हम लोगों के ना जाने कितने ऐसे कस्टमर जो स्वर्ग सिधार गए अपने पैसे की चिंता को लेकर, और ना जाने कितने ऐसे बड़े निवेशक जिनके बॉन्ड ऑफिसों में फंसे पड़े हैं, उनके जमा है, केवल रिसिप्ट उनके पास है, एक छोटी सी पर्ची उनके पास सबूत के तौर पर है, लेकिन सेवी विभाग से निरंतर हम बात करते हैं और यही पूछते हैं कि हम लोगों का पैसा बड़े निवेशकों का कब मिलेगा। तो उधर से केवल हमें आश्वासन ही दिया जाता है, जबकि हमने लगभग 2 साल से निरंतर सेवी विभाग से कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने तौर से जल्द हम बड़े निवेशकों का प्रोसीजर चलाया जाए, ताकि हमें विश्वास हो सके कि आप हमारा पैसा लौटाने की दशा में हैं या लौटाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा हमें पक्का सबूत या यकीन मिल सके, क्योंकि अभी तक हमारे लिए कोई प्रोसीजर सेवी विभाग ने नहीं चलाया। बड़े निवेशक दोस्तों 10,000, 20,000 या 50,000 वाले नहीं होते, यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि 50 लाख तक की एफडीए यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों, आज जो ये प्रोसीजर चलाया जा रहा है, इसमें कहीं से कहीं तक हम निवेशकों का कोई भला नहीं होने वाला। सेवी विभाग हमसे कहता है कि हमने 5,000 वाला प्रोसीजर चालू कर दिया, तो हमसे विभाग की हेल्पलाइन वाले से कहते हैं कि हमारा इस भिकमंगी प्रोसीजर से जो आपने चालू किया, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने बड़े निवेशकों ने जो अपने बॉन्ड जमा किए हैं, सेवी विभाग ने अभी तक उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं दी कि जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके लिए हम ये करने जा रहे हैं, केवल आश्वासन देते हैं। आश्वासन मात्र से हम आज पूरे 10 साल हो गए, और आश्वासन को
झेल रहे हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारा कोई प्रोसीजर अगर सेवा विभाग चालू करती है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों हम यही समझेंगे कि सेवा विभाग पैसा देना नहीं चाहती और सरकार की जो ये राजनीतिक लूट प्रजातंत्र में की गई है इसमें ये कामयाब होती नजर आ रही है। साफ नजर आ रहा है हमें कि देश की बैंकें खाली हो गई, तो ये तो फिर भी प्राइवेट लिमिटेड बैंक थी, इनको तो इन्होंने केवल अवैध रूप का ठप्पा लगाकर इन्हें बैन कर इनका पैसा लूट लिया। दोस्तों ये बड़ी इस वक्त लूट भारत सरकार में जो की गई है 49,700 करोड़ रुपए की, एक ये रोना नहीं है दोस्तों। 3,000 से ज्यादा कंपनियों का पैसा इस वक्त भारत सरकार ने हड़पा हुआ है और 15 करोड़ से ज्यादा लोग भारतवर्ष में इससे प्रभावित है दोस्तों, जिनका गैर निवेशकों को कुछ अता पता नहीं है, वो सब यही जानते हैं कि सरकार बहुत अच्छी है और सरकार के सभी काम अच्छे चल रहे हैं। तो दोस्तों हकीकत क्या है वो सिर्फ पीड़ित ही जानता है और पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को जानता है। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अच्छी कोई हम लोगों के लिए अपडेट आएगी, उसके साथ कोई अच्छी हमारे पास न्यूज़ आती है तो दोस्तों मिलेंगे जब। अब फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप स्वतंत्र 26 जनवरी को खुश होकर मनाएं दोस्तों। पैसा आज नहीं तो कल सरकार के हलक से निकाल कर रहेंगे, ये हमारा वादा है और इसी वादे के साथ US खान लेता है इजाज़त। धन्यवाद।